Hello friends, I am Pinakin and today we will discuss chapter 1 for standard 10 from your first flight book, and the name of the chapter is Letter to God, which is written by G.L. Fuentes. First of all, let me give you the introduction of the chapter. This is a story of a farmer, Lencho. All the farmers are dependent on the rain. As we all know, कि भाई हमारे देश में जो खेती होती है उसका डिपेंडेंट मेनली किसके ऊपर रहता है, तो कि रेन के ऊपर. बिकॉज इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द एग्रीकल्चर. और क्यों इसके ऊपर रहता है, क्योंकि हमारा पानी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है, तो से रेन है. एज ही इज अ फार्मर, ही इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट एंड द रेन. बट द अनएक्सपेक्टेड हेल स्ट्रॉम डिस्ट्रॉयज द होल एग्रीकल्चर ऑफ द लेंचो, एंड दैट इज वाई he become very disheartened. But he write a letter to God to help him. He is the person who has a great faith in God. And how to help? So he asked the God for the 100 pesos. The word pesos is used for the currency of Latin America. What is Latin America? So countries like Mexico, Argentina, Brazil are the Latin American countries. They have different currency than America. So he asked for 100 pesos, and will God help me or not? That we have to see in the chapter. This is a story of a poor farmer Lencho. Let's start with the chapter. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill. From his height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. House, only ऑन द एंटायर वैली, पूरे वैली के अंदर वो अकेला ही उसका घर था. कहाँ पे? तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल, हिल के टॉप ऊपर, सबसे ऊपर उसका घर था. फ्रॉम दिस हाइट, और उस हाइट से क्या देख सकता था, तो ही कुड सी द रिवर, हिली एरिया, सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एटमोसफियर. उसके ऊपर से वहाँ से नदी दिख रही थी, पूरे खेत दिख रहे थे, और खेत के अंदर क्या था, तो कि राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, कि भाई पकी हुई फसल थी कॉर्न की, और उसके ऊपर जो दाने दिख रहे थे वो सब क्या देख रहे थे, कि प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट. उससे वो श्योर था कि इस बार उसको अच्छी फसल मिलने वाली. The only thing the earth needed was the downpour or least a shower. Throughout the morning, Lencho knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So, the only thing the earth needed was a downpour, at least a shower. Ab downpour means heavy rain, और shower means mild rain और light rain. अच्छी बारिश होनी चाहिए उसको ऐसा लग रहा था, क्योंकि खेत का सारा काम हो गया था. एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, या तो भारी बारिश या तो हल्की फुल्की light rain, दोनों में से कोई एक चीज़ का जरूरत तो
थी ही थी। अदरवाइज उसका जो पूरा फील्ड था, पूरा क्रॉप था, वो डिस्ट्रॉय हो जाता। और इसी के लिए वो हर बार नॉर्थ ईस्ट में देखा करता था। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों देखा करता था? क्योंकि उसी साइड से बारिश के क्लाउड आने वाले थे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। अब वो बोलता है कि भाई इस बार हमें अच्छा पानी तो मिलेगा, अच्छी बारिश तो मिलेगी ही ना। किसको बोलते हैं? टू द वुमन। कौन सी वुमन? हु इज प्रिपेयरिंग द सपर। वो वुमन कि जो खाना बना रही है। सपर इज यूज्ड फॉर द इवनिंग मील। एंड शी ऑल्सो रिप्लाइड यस गॉड इज विलिंग। वो भी उसको बोलती है कि भाई हाँ, भगवान तो हमेशा दयालु ही रहते हैं। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड देम कम फॉर डिनर। ये जो है वो पूरा एटमोसफियर बता रहे हैं कि भाई वो सब क्या कर रहे थे। तो वो जो बड़े वाले बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। और कब तक? कि जब तक उस लेडी ने उन सबको डिनर के लिए बुलाया तब तक। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। और देन नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो ने ऐसी भविष्यवाणी की थी या फिर इसने बताया था कि बारिश तो आएगी ही पक्का। एंड टुडे हिज प्रेडिक्शन वॉज करेक्ट व्हेन दे ईटिंग द रेन स्टार्टेड। तो वो जब वो खाना खा रहे थे तभी बारिश स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादल उसकी साइड आते दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा कैसी चल रही थी? कि भाई जब बारिश होती है तो भीनी भीनी हवा की खुशबू पूरे एटमोसफियर में फैल जाती है। तो हवा भी एकदम फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटल वन आर 5। तो जब बारिश शुरू हुई तो लेंचो ऑल्सो केम आउट ऑफ हिज हाउस। वाई? कि बारिश जब होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है फार्मर्स को। बिकॉज द होल ईयर दे आर वेटिंग फॉर देयर क्रॉप्स द रेन। पूरे साल वो अपने क्रॉप के लिए बारिश की राह देखते हैं। और लेंचो ने क्या किया कि भाई वो भी बारिश को अपने ऊपर लेने के लिए कहाँ बाहर आया। This shows that the farmers are very happy to see the rain. और उसी तरह क्या हुआ, लेंचो भी बहुत खुश हो गया था। He told his son, उसने अपने साथ साथ बच्चों के बताया कि भाई ये जो बारिश है वो बूंदे पानी नहीं है। They are the coins, वो हमारे लिए पैसे हैं। जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं और छोटी है वो 5 की है। कैसे? कि भाई अच्छी बारिश होगी तो ही उन लोगों को अच्छी फसल मिलेगी, वो फसल वो बेचेंगे तो उनसे पैसे मिलेंगे। और अगर बारिश नहीं हुई तो उनको कुछ भी मिलने वाला है नहीं। सो ही कंपेयर्स द रेन विद द मनी विद द पैसोस। With
At satisfied expressions, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in curtain of rain. एक satisfied expressions, माने एक अच्छे संतोष के बाद वो देखता है कि उसका जो पूरा फील्ड था वो पूरा पानी से भरा हुआ था. Draped, draped means cover, cover by the cloth, it is written, covered in the curtain of rain. वो पूरा फील्ड था वो किससे कवर था, तो curtain of rain, वो बारिश के कपड़े से पूरा ही कवर था. But suddenly, a strong wind began to blow and along with the rain, heavy, large hailstones began to fall. अचानक क्या होता है? Suddenly, a strong wind started. और उसके साथ साथ hailstones. Hailstones माने क्या? कि बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जब आसमान से गिरते हैं उसको हम लोग कभी ओले बोलते हैं. तो वो एकदम फोर्स से आसमान से गिरने लगते हैं. This truly did resemble with silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. और वो जो hailstones है उसको silver coins के साथ कंपेयर किया गया है कि भाई ये जो है वो सिल्वर कॉइन्स हैं. बिकॉज ही डिडंट नो दैट दिस सिल्वर कॉइन्स आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय देयर होल क्रॉप. और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके, वो घर से बाहर निकलते हैं, वो छोटे छोटे हेल स्टॉम लेने के लिए बाहर जाते हैं. फ्रोजन पल्स इज़ यूज्ड फॉर द हेल स्टॉम, कि भाई जमे हुए मोतियों जैसे लगते हैं, जो पानी जमा हुआ होता है हेल स्टॉम्स का, तो वो मोतियों जैसा उनको लगता है. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पास्ड क्विकली. अब लेंचो है वो बहुत चिंतित हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो हेल स्टॉम है वो अगर चालू रहे तो उसका पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगा. वो बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि ये जल्दी से बंद हो जाए. यानी कि जो बारिश नहीं वो बोल रहा है, जो हेल स्टॉम है उसकी बात कर रहा है कि ये भी जल्दी ख़त्म हो जाए तो मेरा क्रॉप बच जाएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली, मगर वो जल्दी बंद हुआ नहीं. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white as if covered with salt. We all know the hailstorm destroys the agriculture, so the Lencho was expecting to pass it, but it continued for an hour. Where? The on the house, garden, hillside, cornfield and the whole valley. सब जगह उसका हेल स्टॉम वहाँ चालू ही रहा. एंड कैसा वो सीन लग रहा था? द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत एकदम सफ़ेद लग रहा था. क्यों सफ़ेद लग रहा था? क्योंकि पूरे ओले जो हेल स्टॉम थे, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, वही पूरे खेत में दिख रहे थे. और कैसा लग रहा था? कि द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे पूरी नमक की एक चादर पूरे खेत के ऊपर लगा दी हो, ऐसा वो लग रहा था. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, सभी पेड़ पर, सभी कॉर्न के जो छोटे छोटे गड्ढे लगे थे उसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और वो पूरा जो कॉर्न था, पूरा जो क्रॉप था वो डिस्ट्रॉय हो गया. द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, उसके जो पत्ते आए थे, जो फूल आए थे छोटे छोटे, वो सभी चले गए थे. लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और सैडनेस मीन्स सॉरो, उसका जो पूरा हार्ट था, पूरा आत्मा थी, वो एकदम दुखी हो गई थी. वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, ही स्टूड इन द फील्ड ऑफ द
ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। और जब वो पास हो गया, पूरा हेल स्टॉर्म ख़त्म हो गया, तो वो उजड़े हुए खेत में खड़ा रहा और उसने अपने बच्चे को बोला कि अ प्लेग ऑफ लकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल स्टॉर्म हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। उसने अपने बच्चे को बताया और बोला कि भाई लकस्टस माने वो इंसेक्ट होते जो पूरा एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय करते थे। तो वो बता रहा है कि भाई अगर जो लकस्टस का अटैक हुआ होता तो भी उससे तो ज़्यादा क्रॉप छोड़ता, मगर ये हेल स्टॉर्म है वो इतना टेरिबल था कि कुछ भी उसने खेत में छोड़ा नहीं था। द होल क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, नथिंग वॉज लेफ्ट इन द फील्ड। साथ साथ में वो ये भी बताए कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें खेती से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ही वॉज वेरी सैड एंड हेल्पलेस ऑल्सो, क्योंकि वो इसके सामने, नेचर के सामने कुछ भी कर सकता नहीं था। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। कि भाई लेंचो वॉज अ पॉजिटिव मैन एंड ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड। तो वो कहता है कि दिस इज़ वेरी सॉरोफुल, द नाइट इज़ वेरी सॉरोफुल, वो रात थी वो बहुत भयानक रात थी, बहुत दुखी दुख वाली रात थी, बट ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने पूरी जो मेहनत की वो सब डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ भी उसमें से बचा नहीं था। मगर फिर भी वो पॉजिटिव था, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वो बोल रहा था कि अभी तो कोई हमारी मदद नहीं करता कर सकता है, हमें पूरे साल अभी भूखा रहना पड़ेगा। वो ऐसा सोचता है, मगर साथ साथ में उसके अंदर एक पॉजिटिव बात भी है। कौन सी वाली? कि देर इज़ वन सोर्स ऑफ हेल्प, कि भाई फिर भी हमें एक इंसान, एक चीज़ हमको मदद कर सकती तो है ही है। कौन सी वो चीज़ है? तो अ हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भाई वो भगवान से अगर हमें मदद मिल सके तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट इज वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अ टोटल लॉस, बट डोंट बी सो अपसेट, लेंचो वॉज अ वेरी पॉजिटिव मैन, ही वॉज श्योर कि भाई कोई भी भूख से मरता नहीं है, एवरी वन हैज समथिंग टू ईट। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो, और वो उतना स्ट्रांगली जानता भी था कि भाई कोई कभी भी किसी को भी भगवान भूख से नहीं मारेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सीन एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस। पूरी रात लेंचो फिर अपना एक ही जो सोर्स बचा था, हिज ओनली वन होप, उसके बारे में ही सोचता रहता था, और उसको हुज आईज़ हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसको पहले से ही वो बताया गया था कि भगवान है जो सब कुछ जानते हैं, ही सी एवरीथिंग, हमारे अंदर छुपी हुई माने हमारी आत्मा के अंदर छुपी हुई जो बातें होती है वो सब कुछ कॉन्शियंस के अंदर माने इंसान के अंदर अपनी इनर सेंस जो होती है उन सब के बारे में भगवान जानता है। दैट वॉज लेंचो टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, उसको यही बताया गया था। दैट इज़ वाई
उसको भगवान के अंदर एक स्ट्रांग फेथ था. लेंटो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट द फॉलोइंग हाउ टू राइट. क्योंकि ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. लेंचो को ऑक्स से कंपेयर किया गया है, माने ऐसा नहीं कि वो एनिमल था. ऑक्स ऑफ अ मैन शोज दैट वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. लेंचो वो बहुत ही मेहनती इंसान था और इन सब के बावजूद ही न्यू हाउ टू राइट. उसको पता था कि पढ़ना लिखना कैसे लिखते हैं, वो सब उसको पता था. वो पढ़ना लिखना भी जानता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन अ मेल. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. उसके बाद वाले संडे में डे ब्रेक माने सुबह होते ही, वो बिगन टू राइट अ लेटर, उसने अपना लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया और चिट्ठी लिखकर वो खुद सिटी में जाकर, पास के शहर में जाकर उसको पोस्ट करने वाला था. और द मेल इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. ये सब तो हम जानते ही हैं कि ये लेटर किसी और को उसने नहीं लिखा था और गॉड को लिखा था. द रीज़न वॉज दैट ही वॉन्टेड हेल्प फ्रॉम द गॉड. ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. पहले ही लाइन में वो उसको भगवान को लेटर लिखता है और उनको बता ही देता है कि भाई भगवान, अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म. ही रॉट टू गॉड ऑन द एवरेज. उसने बताया कि भाई आपको मुझे मदद करनी है. एंड हाउ टू हेल्प हिम दैट यू हैव टू सेंड मी 100 pesos. और क्यों? बिकॉज हेल स्टॉर्म हैज़ डिस्ट्रॉयड माई क्रॉप. मेरा पूरा जो फसल था, पूरा जो फसल थी, उसको हेल स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया है. और मुझे सर्वाइव करने के लिए और नई फसल बोने के लिए, उन सब के लिए, पूरे साल के लिए 100 pesos आई रिक्वायर्ड. सो ही लेंचो डज नॉट नो एनी हम्बल रिक्वेस्ट. वो अपना एक हक है कि भाई जैसे भगवान ने हमको पैदा किया है, हमको बनाया है, तो उनका ड्यूटी है कि भाई हम अगर मुसीबत में है तो हमें हेल्प करें. वो स्ट्रांगली ऐसा मानता था. वो ऐसा नहीं सोचता कि भगवान मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे कैसे. वो दिस शोज दैट ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड. ही रॉट टू गॉड टू द एनवलप. एनवलप के ऊपर उसने लिखा टू द गॉड. पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. उसने ऊपर लिख दिया, ऊपर स्टैम्प लगाया और उसको टाउन गया. एट पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. वो सिटी में पहुंचा, गांव में पहुंचा, उसने लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाया और फिर उसको मेल बॉक्स माने लेटर बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दिया. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक जो इंसान था, एक employee था कि जो postman था और साथ साथ में post office के अंदर help भी कर रहा था, वो मजाक करते हुए heartily माने means mockingly in a funny way he went to the postmaster and showed him that this is the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster,
A fat, amiable fellow also broke into laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What a faith! I wish I had the faith of a man who wrote this letter." जब वो पोस्टमैन उसके पास पोस्टमास्टर के पास लेके जाता है, वो पोस्टमैन बताता है कि भाई मैंने अपने पूरे करियर में ये भगवान का एड्रेस तो देखा ही नहीं है, कि भाई गॉड कहाँ रहते हैं वो तो मुझे पता ही नहीं है। दे बोथ व जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ द लेटर, बट पोस्टमैन पोस्टमास्टर जो एमिएबल मैन, एमिएबल पर्सन मीन्स प्लेजेंट और फनी मैनर, ही वॉज अ वेरी फनी पर्सन, ही वॉज ऑल्सो लाफिंग, बट इमीडिएटली ही रियलाइज दैट इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक, ही टर्न सीरियस, उसने एकदम वो एकदम सीरियस हो गया, वो लेटर था वो डेस्क पर रखा और वो बोला कि व्हाट अ फेथ, कि भी क्या विश्वास है भगवान के ऊपर, आई विश, मेरी भी ऐसी इच्छा है कि भाई मुझे भी ऐसा विश्वास हो, मैन हु रॉट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कि भाई ऐसा कौन हो सकता है कि भाई वो जो लेटर से भगवान के साथ बात कर सके। वो हंसने लगा, मजाक कर रहे थे वो लोग, और तुरंत ही उसको वो रियलाइज है हुआ कि भाई ये जो चीज़ है वो अच्छी नहीं है। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमैन केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो पोस्टमैन ने पोस्टमास्टर ने एक आइडिया सोचा कि भाई इसका जो फेथ है वो बहुत स्ट्रांग है भगवान के ऊपर, और वो टूटे नहीं, उसके लिए उनको क्या करना है कि भाई एक लेटर का रिप्लाई देना है, आंसर द लेटर। ही थॉट वी शुड हेल्प हिम इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक हिज फेथ इन द गॉड, बट when he opened it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. Jab usne letter khola to it was clear, wo clear ho gaya ki bhai to help this person only goodwill, ink and paper is not enough. So what they have to do, he thought, they have to make some arrangement of money for him. उनको कुछ और करना पड़ेगा, साथ साथ में पैसों का भी थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा. But stuck to his resolution, उसको जब ये पता चला कि भाई पैसे का अरेंजमेंट करना है उसके लिए, तो वो ऐसा नहीं कि उसने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि भाई छोड़ो नहीं करना है, ये पैसे कौन खर्च करे, ही स्टक, वो उसके आइडिया के साथ लगा रहा है. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. उसने वो पता था कि भाई वो अकेला तो सब कुछ कर नहीं पाएगा, उसने अपने एम्प्लॉयज़ के पास से अ पार्ट ऑफ सैलरी, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, और कोई लोग थे कि भाई जो चैरिटी करना चाहते थे उन सब से उन्होंने उसने पैसे इकट्ठे किए. बट वाई, सो बिकॉज ही न्यू दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ चैरिटी, लेंचो वॉज इन नीड ऑफ द मनी एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू हेल्प हिम एंड द परफेक्ट वे टू हेल्प हिम. हाउ टू हेल्प विल सी. It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. भाई 100 pesos तो एकदम बड़ी अमाउंट है, वो जानता था कि भाई वो उतनी तो इकट्ठी नहीं कर पाएगा, बट मोर देन हाफ, 100 pesos का हाफ 50 pesos होते हैं, बट उसने बहुत ट्राई करके हाफ से थोड़े ज़्यादा,
मैंने 60, 70, 75 पैसों के आसपास उसने कलेक्ट कर ली। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉन। फिर उसने वो सभी जो पैसे थे वो एक कवर के अंदर डाले। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस टू द लेंचो, और किसको भेजा, किसका एड्रेस ऊपर लिखा, लेंचो का एड्रेस लिखा, और उसके अंदर उसने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक सिग्नेचर किया दैट इट वॉज गॉड। ही सील्ड द लेटर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगला जो संडे आया था उस दिन लेंचो जल्दी आ गया। रेगुलरली वो इतना जल्दी नहीं आता था, बट ही वॉज ऑल्सो ईगर टू नो दैट इफ एनी रिप्लाई कम, इफ एनी काइंड ऑफ हेल्प कम फ्रॉम द गॉड। तो वो पूछने आ गया था कि कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on his form of his office, experiencing the contentment. जो पोस्टमैन था, जिसने वो लेटर निकाला था, जो उसकी मजाक कर रहा था, उसी ने वो लेटर पोस्टमैन ने लेंचो को दिया, और साथ साथ में पोस्टमास्टर भी उसको देख रहा था, वो एक्सपीरियंस कर रहा था कि भाई वो कैसे ले रहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, और उसको भी अंदर एक फीलिंग हो रही थी कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन किस चीज़ का, कि भाई उसने लेंचो था वो बहुत गरीब परिवार से था, उसको अगर वो पैसे नहीं मिलते तो वो पूरा साल उसका फैमिली भूखा रहता, एग्रीकल्चर के लिए भी उसके लिए कुछ पैसे नहीं थे, बीज बोने के लिए पैसे चाहिए। तो इन सब चीज़ों को पढ़ के पोस्टमास्टर को एक हेल्प करने की इच्छा हुई, और वो लेंचो को वो देखते देखते हुए कंटेंटमेंट माने सेटिस्फेक्शन फील करता है कि भाई हाँ मैंने कोई अच्छा काम किसी के लिए किया है। सो दिस इज द लेंचो। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। कि भाई लेंचो को जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ कि भाई पैसे भगवान ने भेजे, तो दैट इज़ नेचुरल फॉर हिम। वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि भगवान पैसे नहीं भेजेंगे, कि वो तो नेचुरल है। उसने कोई भी सरप्राइज उसको लगा नहीं, पर जब उसने पैसे काउंट किए, व्हेन ही काउंटेड द मनी, तो क्या हुआ कि ही बिकेम एंग्री, वो गुस्से हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. कि भाई भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते हैं। मैंने 100 पैसों के लिए उनको रिक्वेस्ट किया था, तो उससे कम वो कैसे भेज सकते हैं। So this characteristic doesn't show that he was a very greedy person. वो ऐसा नहीं ये है कि भाई वो एक लालची इंसान था, भगवान से पैसे मांग रहा था, but it shows that he had a strong feeling, strong belief in God, and he was very sure that God will help him. फिर वो क्या करेगा, देखते हैं कि भाई भगवान ने कम पैसे भेजे तो अब क्या करें। Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. तुरंत ही वो विंडो के पास गया, उसने पेपर और इंक मांगा। ऑन अ पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ ब्रो कॉस्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। तुरंत ही वो टेबल के पास गया, काउंटर के पास गया सॉरी, और पेन पेपर मांगा। और पब्लिक राइटिंग टेबल माने पोस्ट ऑफिस के अंदर लोगों को आते जाते लोगों को कुछ लिखना है, स्टैम्प लगाना है, ये सब करने के लिए एक टेबल रखा हुआ था, वह जाता है और लिखने का स्टार्ट करता है। बट ही इज़ इन कन्फ्यूजन व्हाट टू राइट, क्या लिखे,
वो उसके अंदर कन्फ्यूज़न है, और वो हमको कैसे पता चलेगा कि बिकॉज रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वो अपनी ब्रो को रिंकल करता हुआ कुछ आइडिया सोच रहा है कि भाई व्हाट टू राइट टू गॉड, कि भाई उन्होंने आपने ये कैसे गलती कर ली, मुझे तो 100 पैसोस चाहिए था और आपने कम क्यों भेज दिए, वो सब आइडिया वो सोच रहा था कि भाई क्या लिखें। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसका ख़त्म हो गया लिखना लेटर, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो अप ऑफ हिज फिस्ट। जब उसका लेटर ख़त्म हो गया, वो स्टैम्प उसने लगाया, लिक्ड, लिक्ड माने उसने थोड़ा पानी वाला किया, और फिर जोर से फिस्ट माने अपने मुक्के से वो लगा के एनवेलप को पूरा बंद कर दिया। एट लास्ट द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जब लेंचो ने वो लेटर डाला कि तुरंत ही वो पोस्ट मास्टर निकालने गया। पोस्ट मास्टर को ऐसा लग रहा था कि भाई लेंचो ने ये थैंकिंग ग्रेटिट्यूड का लेटर लिखा है अपने उस कि भाई गॉड ने उसको 100 पैसोस की जगह 70 पैसोस दिया तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो वो जानने के लिए वो तुरंत ही गया कि भाई क्या लिखा है। इट सेड, लेटर के अंदर क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। भगवान, मैंने 100 पैसोस के लिए मांगा था, मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसोस ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी के जो बचे हुए भगवान वो जो प्लीज़ जल्दी से भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स। लास्ट में उसने साइन किया लेंचो कि भी वो लिखता है कि भाई मुझे तुरंत ही भेज दीजिए भगवान पैसे, मगर वो साथ साथ में ये भी लिखता है कि भाई मुझे ये पैसे आप है वो पोस्ट से मत भेजिए, मेल से मत भेजिए, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है दे आर द बंच ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स माने चीटर्स, ये लोग तो चीटर है। आपने मुझे 100 पैसोस भेजे तो उसमें से मुझे 70 पैसोस ही मिले। एंड विद दैट आवर चैप्टर 1 एंड्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ ग्रेट फेथ, ये एक अटूट विश्वास भगवान के ऊपर उसकी एक स्टोरी है लेंचो। और एट लास्ट व्हाट हैपन्ड कि लेंचो गॉट 70 पैसोस एंड ही बिकेम वेरी अपसेट।